Welcome to my YouTube channel Study Shivit Prati 2, and into today's lecture we're gonna do part 2 for our BSc 4 chapter 1 which is going to be public administration as a discipline. तो इसका part 1 का video link यहाँ पे आ रहा होगा, आप यहाँ पे जाकर के इसको check कर सकते हो. Also I have created entire different playlist for this one so that आप लोग इसको आसानी से ढूंढ सकते हो. हमारा lecture शुरू करने से पहले I would like to tell you all, this is Kriti. I do provide crash course for students of a BA honors students. तो अगर आप BA honors student है, चाहे किसी भी semester के हो, I run live classes. In fact अभी semester 2 का भी चल रहा है. These classes are paid classes in which you get the notes in PDF. You can just take print out of these detailed lectures. In fact, we do lectures using readings, answer writing, and many other things. So this was about the course. Second thing is that ये जो हम series शुरू कर रहे हैं, in which I am actually updating lectures daily. अगर आपको कोई भी गलती लगती है या फिर आपको जानना चाहते हो, comment section में comment कर सकते हो, Instagram पे contact कर सकते हो, otherwise WhatsApp number दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप contact कर सकते हैं. And here let's get started with this one. हमने पार्ट वन में बात की थी कि जो थ्योरेटिकल जर्नी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो कैसी रही, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की रूट्स एक्चुअली कहाँ से आती हैं वो, एंड मेनली हमने एवोल्यूशन के बारे में बात की थी. टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. देन वी गोना डू द पैराडाइम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. एक्चुअली ये इसी के अंदर आता है, वो तो मैंने सेपरेट हेडिंग में क्रिएट कर दिया. एंड देन वी विल सी थ्योराइजिंग पीए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना आप समझ लीजिए कि पब्लिक एजेंसीज के फंक्शन क्या होते हैं उसको समझने के लिए बड़ा जरूरी है. बिकॉज अगर वो हमें फंक्शन समझ आएंगे एजेंसीज के, तो हम पब्लिक इंटरेस्ट्स को गाइड अच्छे से कर पाएंगे बाय फंडामेंटल वैल्यूज. दिस इज वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना जरूरी है. जस्ट लाइक दैट खाना बनाने के लिए जरूरी है कितने लोग खा रहे हैं, उनकी बेसिक एपेटाइट क्या है, तीखा खाते हैं, मसालेदार खाते हैं, मीठा खाते हैं, लाइक दैट. स्टूडेंट्स को, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मेरे लिए जानना जरूरी है मेरे स्टूडेंट्स आते किस यूनिवर्सिटी से है, सिलेबस क्या है उनका, कौन सा मोड ऑफ लैंग्वेज उनके लिए बढ़िया है. लाइक सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं बायलिंगुअल फॉलो करती हूँ अपने चैनल पे, वो स्टूडेंट्स के लिए इजी रहता है. ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर कंप्लीटली फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट, एंड ऑल दो हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम काइंड ऑफ दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट. तो मेनली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहता है ये. सो आई नो द प्रेफरेंसेस ऑफ यू ऑल, दिस इज वाई द मोड ऑफ अ लेक्चर दैट आई कंडक्ट हियर इज समथिंग आई डू पीपल फ्रेंडली. नाउ एवोल्यूशन इसका, क्योंकि ओवर अ टाइम इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हमने कैटर किए और टाइम के साथ साथ उसने हमें डिफरेंट पैराजिम दिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के. अब पैराजिम समझना जरूरी है. पैराजिम मतलब डिफरेंट लेंस टू सी द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. कुछ लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सहारा समझते हैं जहां पे हम लोगों की नीड्स को जो है वो पूरा करते हैं. फॉर सम इट इज एक्चुअली इन अ डिफरेंट वे. फॉर सम दे जस्ट टेक दिस पर्टिकुलर पैराजिम एज अ पर्सपेक्टिव टू लुक आउट की एंटायर इकोनॉमिक फंक्शन जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं. सो फॉर डिफरेंट पीपल दे हैव अ डिफरेंट अप्रोचेस, और पैराजिम का मतलब यही है, डिफरेंट अप्रोचेस और डिफरेंट लेंस टू सी द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसके टोटल 4 पैराजिम है, क्योंकि हेनरी की एक बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर की, यहाँ पे मैं बुक मेंशन कर दूंगी, हम उसके अकॉर्डिंग ये कर रहे हैं, ये आपकी रीडिंग में एक्चुअली इन लिस्ट था. तो पहला है क्लासिकल पैराजिम. ये एक्चुअली शुरुआत होता है लेट 19th टू अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पे. इन्होंने ज्यादातर फोकस किया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एफिशिएंसी और हायरार्की होनी चाहिए. ये लोग काफी ज्यादा, और ये पर्टिकुलर जो पैराजिम है क्लासिकल पैराजिम, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट से हमारा इन्फ्लुएंस था. और क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, हमारे पार्ट 1 में हमने उसको किया था. सो इनके प्रिंसिपल्स क्या थे, दे मोर फोकस्ड ऑन की डिविजन ऑफ लेबर, काम को डिवाइड कर दिया जाए. एक फैक्ट्री है, ब्रेड की फैक्ट्री, हमारा घिसा पिटा एग्जाम्पल हम वही लेंगे, तो उसमें डो कौन बनाएगा, उसमें सीजनिंग कौन करेगा, ब्रेड्स को कट कौन करेगा, पैकेजिंग कौन करेगा, तो काम को डिवाइड कर देंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा. दूसरा, हायरार्की होनी चाहिए, मैनेजर कौन रहेगा, लेबर्स कौन रहेंगे, उनके नीचे जो है वो मैन्युफैक्चरर्स कौन रहेंगे. सो दिस तरीके से हमने ये डिवाइड कर दिया. डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए,
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे कि मुझे 10 लोग बता रहे सेम काम करना, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी किसके अकॉर्डिंग करूं. तो एक प्रॉपर सुपरवाइजर हो जो उस काम को रेगुलेट करे. एंड देन डायरेक्शन, लाइक यूनिटी ऑफ अ डायरेक्शन भी होनी चाहिए सही तरीके से, जो ऑब्जेक्टिव है उसी के लिए काम होना चाहिए. सेकेंड जो पैराडिग्म है और सेकेंड जो हमारा लेंस है जिसके थ्रू हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकते हैं, वो है न्यू क्लासिकल पैराडिग्म. ये 1930s एंड 40s के टाइम पे आया था. इसने एम्फसाइज किया था ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे. अगेन अगर आपको याद हो, हमने बिहेवियरल अप्रोच किया था, बिहेवियरल अप्रोच ही था, बिहेवियरल मैनेजमेंट. तो उसमें हमने बात की थी कि किस तरीके से दे वर टॉकिंग अबाउट की साइंटिफिक मैनेजमेंट मोर फोकस ऑन टू द एरिया ऑफ की कैसे एक मशीन की तरह काम करवा रहे हैं एम्प्लॉयज से. तो इन लोगों ने, बिहेवियरल एरा वालों ने फोकस किया था ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच पे. तो वो सेम चीज, तो न्यू क्लासिकल वाले इससे इंस्पायर्ड है बिहेवियरल वाले से. तो इन लोगों, इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है ह्यूमन रिलेशन विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन है बियॉन्ड द वर्क रिलेशनशिप मेंटेन करे लोग, तो कनेक्ट होंगे एक दूसरे से. तीसरा, पार्टिसिपेशन हो जाता है. जो एम्प्लॉयज वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए एक्टिव. एंड चौथा, कम्युनिकेशन शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर. अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, विच इज गोइंग टू बी मॉडर्न पैराजिम. तो 1960s एंड 70s के टाइम पे ये आया था. इसने एम्फसाइज किया था सोशल वेलफेयर और अकाउंटेबिलिटी पे हमको ध्यान देना चाहिए. इन्होंने प्रिंसिपल्स क्या एडवोकेट किए थे, काम होना चाहिए एज पर पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है. अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए सो दैट हम लोगों की नीड्स को केटर कर पाए उस ऑर्गेनाइजेशन से जो उनको उम्मीदें हैं उसको. एफिशिएंसी बढ़िया होनी चाहिए, कम रिसोर्सेज भी है लेकिन काम बढ़िया होना चाहिए. एंड इफेक्टिवनेस होनी चाहिए. फोर्थ, जो हमारा मॉडर्न पैराडिग्म है वो 80s एंड 90s के टाइम पे आया था. ये एम्फसाइज करता है डाइवर्स पर्सपेक्टिव शुड बी इन्वॉल्व इन टू दिस वन. इसका प्रिंसिपल वही था, डीकंस्ट्रक्शन करो प्रोसेसेस का जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है सो दैट वी कैन ईज इट आउट. फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो काम ऑलरेडी हो गया है उसको लुकआउट करो किस तरीके से इसको और बेटर किया जा सकता है. एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज के, ऑर्गेनाइजेशन के इन्वॉल्व करो इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर इम्पैक्टफुल एडमिनिस्ट्रेशन हियर. That's it. ये चार पैराजिम करने हैं आपको. हेनरिक की बुक से इंस्पायर्ड है, सो मेक श्योर यू डू दिस वन, बिकॉज इफ इट कम्स टू राइटिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये चार आपको करने होंगे. अब हम बात करते हैं थियोराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सी, अभी जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, अगर आप लोग थोड़ा सा एक लॉजिकली सोचिएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतने टाइम से पढ़ क्यों रहे हैं, लाइक बियॉन्ड थियोरेटिकली अपना सिलेबस हटा दो, अपनी यूनिवर्सिटी हटा दो. Why? Because administration और management को impactful बनाने के लिए. तो ये theory का importance क्या है, evolution का importance क्या है. मैं भी तो evolved हुई हूँ ना. अगर मेरे आप channel पे देखो, मेरे पुराने videos देखो, मेरा आप face देखो, मैं उस तब से ले, like I am making since grade 11th, ठीक है. 11th से अभी मेरा bachelor's complete हो गया, I am enrolled into my MA, तो वो मैं कर रही हूँ. तो उससे तब से लेकर के अब तक मेरा एवोल्यूशन हद से ज्यादा हो चुका है. इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज आई कम्युनिकेट टू यू ऑल, मेरी प्रोफिशिएंसी अच्छी हो गई है, मेरी सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी हो गई है, लाइक द वे आई ट्रीट टू यू ऑल वो बेटर हो चुका है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल बढ़िया हो चुकी है पहले से. आई एम नॉट कंपेयरिंग विद एनीवन, आई एम जस्ट कंपेयरिंग माई सेल्फ, ओके. सो इन सब का इंपॉर्टेंस है. थ्योरी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें कॉम्प्लेक्स चीजों को जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है उनको समझने में मदद करती है, ताकि फ्यूचर में जो चैलेंजेस आए उसको टैकल कर सकें. दूसरा, एवोल्यूशन का, थ्योरी में एवोल्यूशन होना जरूरी है बिकॉज थ्योरी में तो चेंज होती है. आज एडमिनिस्ट्रेशन को जो हम समझते हैं कंटेम्प्रेरी टाइम में, वो हमारा क्लासिकल टाइम पे बहुत डिफरेंट था, ठीक है. सो इंक्लूड्स क्लासिकल बिहेवियरल कंटेम्प्रेरी थ्योरीज, दिस गिव्स अस द आइडिया दैट फ्रॉम देन टू नाउ हम लोगों ने कैसे जो है अपने पर्सपेक्टिव को चेंज किया, और हम लगातार समय के साथ साथ इवोल्यूट होते गए और आगे भी होंगे. नेक्स्ट है थ्योरी इन प्रैक्टिस. अब देखो, थ्योरी थ्योरी होती है, ठीक है. एक आपने पूछा एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, आई विल जस्ट टेल यू अबाउट इट. बट उस थ्योरी को रियल में लाना होता है, जैसे कि डेमोक्रेसी इज अबाउट द पीपल्स पार्टिसिपेशन, द हेड शुड बी इलेक्टेड बाय पीपल, उसको लोगों के अकॉर्डिंग करना चाहिए. बट इन प्रैक्टिकल सेंस, इज इट हैपनिंग? एक्चुअली नॉट. बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू अचीव दैट थियोरेटिकल डेफिनेशन दैट वी गिव इन टू दिस की वर्ड. एंड दिस इज वाई, तो जो हमारा प्रैक्टिस होता है उसमें ये जरूरी है हम स्ट्रैटेजीज बनाएं.
ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है उसको बेटर कर सके और अपकमिंग जो फ्यूचर में चैलेंजेस आए उसको टैकल कर सके. सो स्टिल हमें डेमोक्रेसी का जो थियोरेटिकल डेफिनेशन है उसको इन प्रैक्टिस लाने में बहुत टाइम लगेगा. द बेस्ट पार्ट इज दैट हमारे पास एक आइडियल सेट ऑफ अ डेफिनेशन है, बट इन प्रैक्टिस हमें अब भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. दिस इज वॉट द एंटायर चैप्टर वी नीड टू डू फॉर योर यूनिट 1 फॉर DSC 4. दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. डू लेट मी इन कॉमेंट सेक्शन अगर आपको कोई डाउट है. आई वुड बी कमिंग अप विद द अनदर चैप्टर, या तो मैं फिर DSC 4 का करवाऊंगी, हो सकता है CGP स्टार्ट कर दूँ. वी विल जस्ट सी दैट लेटर. बट तब तक के लिए गुड बाय. डू लेट मी इन कॉमेंट सेक्शन इफ यू नीड एनी हेल्प. नोट्स मैंने इसके डाल दिए हैं तो डोंट वरी अबाउट इट. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में. बाय बाय फॉर नाउ.